नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। मंदसौर कृषि उपज मंडी में प्याज के दाम को लेकर किसानों ने हंगामा किया। कृषि उपज मंडी में प्याज के दाम को लेकर किसानों ने रोड पर नारेबाजी कर हंगामा किया। किसानों को प्याज के दाम नहीं मिलने से नीलामी को बंद करवा दिया गया। वहीं लगातार प्याज के दाम न मिलने से किसान काफ़ी नाराज दिखे। नाराज किसानों ने उपज मंडी में हंगामा शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी और INDIA गठबंधन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर सभागार में धरना प्रदर्शन कर एक ज्ञापन जिलाधिकारी ललितपुर के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। वहीं सपा के जिलाध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और देश के संविधान में बदलाव करने में लगी हुई है। साथ ही कहा कि जिस प्रकार से सरकार के इशारों पर लोकसभा में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित किया गया है, ये अत्यंत निंदनीय है और समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। धरना प्रदर्शन कर रहे सभी लोगों ने मांग की है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद की कार्रवाई से निलंबित किए गए सांसदों को वापस लिया जाए और लोकतंत्र तथा संविधान को न मानने वाले भ्रष्ट और तानाशाह सरकार को तत्काल बर्खास्त किया जाए। श्रावस्ती जिला अति पिछड़े जिले में है, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा का काफी अभाव है। ऐसे जनपद में सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य के तहत जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी जनपद में अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग के CMO डॉक्टर अजय प्रताप सिंह किशोरों के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देश पर CMO द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य मंच कार्यक्रम आयोजित कर किशोरों से सीधे संवाद कर उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में CMO द्वारा किशोरों के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए उनके साथ खेल कूद का कार्यक्रम भी किया जा रहा है तथा खाने में हरी सब्जी, संतुलित आहार के टिप्स दिए जाते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम के माध्यम से नशा मुक्ति के बारे में भी जागरूक किया जाता है ताकि नशे से दूर रहें। इतना ही नहीं, CMO द्वारा जिले के अलग अलग विद्यालयों में भी जाकर किशोर किशोरियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि वो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा हासिल कर अच्छा मुकाम पा सके। धन्यवाद प्रदीप जी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत किशोर अवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं, शारीरिक और मानसिक, हम लोग दोनों पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये वह संधि, ये एक वो एज है जिसमें शरीर में हार्मोन की वजह से अचानक बहुत बदलाव आता है और मन की स्थिति पे कुछ बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। जो हार्मोन निकलता है उसकी वजह से उन लोगों में उत्तेजना भी रहती है, गलत प्रयोग भी करते हैं। तो एक सही कि अभी वो बड़े नहीं हुए हैं, अभी विकास का एक एज है जिसपे उनको। आगरा में जिला मुख्यालय पर सपा कांग्रेस ने जंगी प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए जिला मुख्यालय परिसर में प्रदर्शनकारी घुस गए। गेट तोड़ने की कोशिश करते हुए DM ऑफिस परिसर में सपा कार्यकर्ता घुस गए, साथ ही DM ऑफिस के सामने नारेबाजी कर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन किया गया है, जहां पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि भाजपा लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साथ ही कहा गया कि प्रदर्शन करने पर पुलिस द्वारा जबरन झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं। मामला जिला मुख्यालय का है। ये हमारी मांग है कि जो 146 सांसदों को निलंबित किया है उन्हें दोबारा वापस ले, और गठबंधन एक साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहा है, और ये तानाशाही जो चल रही है तानाशाही नहीं चलेगी। क्या सांसद किसकी है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सांसद पूरी जनता की है, सारे विपक्ष की है। जब विपक्ष ही नहीं होगा तो सांसद कैसे चल जाएगा, संसद कैसे। देखिए, आज हमारा इंडिया गठबंधन के रूप में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हमारी मांग सरकार को लेकर यही है कि जो उन्होंने संसद में हुए हमले पर कुछ कार्रवाई नहीं की और 142 सांसदों को निलंबित किया है, हम उन्हीं की दोबारा बहाली के लिए यहाँ पर मांग करने आए हैं। और इन्हें बता देना चाहते हैं कि ये अपना होश में रहें, जो ये तानाशाही में हर गलत फैसला करते जा रहे हैं, सरकार पब्लिक को कुचलते जा रहे हैं, किसी का भी ख्याल नहीं रख रहे हैं। अब ये अपना होश में आ जाए, क्योंकि गठबंधन सरकार इंडिया
पूरे इनको टक्कर देने जा रही है 2024 में, हम इनको उतार कर फेंकने का काम कर। आज ये धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हमारी पार्टी के सम्मान्य राष्ट्र अध्यक्ष सम्मान्य अखिलेश यादव के निर्देश पर आज पूरे प्रदेश में धरना दिया जा रहा है। जिस प्रकार से चार दिन पहले आपने देखा कि लोकसभा में राज्यसभा में 146 सांसदों को गलत तरीके से निलंबित किया गया है, उसके विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। और उन्हीं के सांसद लोकसभा में बैठ करके भाई दानेश्वरी सांसद अमरोहा के उनको गाली देते हैं, उनका निलंबन नहीं होता है। ये विरोध आज इसलिए किया जा रहा है, जब तक ये सांसद निलंबन का बाबत नहीं होता है तब तक धरना जारी रहेगा। आईजी लखनऊ तरुण गाबा ने शुक्रवार को पुलिस लाइन हरदोई का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने 112 डायल के अर्बन और रूरल क्यूआरटी की हकीकत परखी। आईजी ने अधिकारियों से हर विषय पर जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। आईजी तरुण गावा, पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी, सीओ बघौली लाइन विकास जायसवाल, सीओ यातायात अंकित मिश्रा के साथ पुलिस लाइन पहुंचे। आईजी तरुण गावा ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान आईजी ने डायल 112 के अर्बन और रूरल क्यूआरटी की हकीकत पर की। आईजी ने दिसंबर सेल का भी निरीक्षण किया। आईजी ने बताया कि साइबर सेल को साइबर थाने में अपग्रेड किया जाना है, इसको लेकर तमाम तरह की जो भी व्यवस्था है उसे देखा गया है। यहाँ जनपद हरदोई में आज जो हमारा यूपी 112 है उसकी वर्किंग देखी गई है कि किस तरह से जो हमारे कर्मचारी अधिकारीगण 112 में लगे हुए हैं, जो पीआरवी की सुविधाएं जनता को दी जाती है उसमें किस तरह का कार्य किया जा रहा है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या हमारा रिस्पांस टाइम रहा है किसी भी कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए और उसको किस तरह से देहात और अर्बन दोनों क्षेत्रों में बेहतर किया जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर साइबर सेल जो बना हुआ था इसको अब साइबर पुलिस थाने के रूप में जल्दी ही अपग्रेड किया जाना है। आगरा में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा ने आगरा किले का दीदार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच अजय बांगा आगरा किला पहुंचे, करीब 1.5 घंटे तक आगरा किला में समय बिताया। वहीं धुंध की वजह से वो आगरा किले से ताज का दीदार नहीं कर पाए। वहीं उन्होंने कहा कि आगरा किले से ताजमहल ना देखने का उनको मलाल है। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले रक्सा कस्बे में छोटी माता का मंदिर है। यहाँ हर रोज श्रद्धालु का आना जाना बना रहता है। श्रद्धालु द्वारा यहाँ चढ़ोतरी भी चढ़ाई जाती है। शाम 3 बजे करीब संदिग्ध जो मोटरसाइकिल के जरिए इस मंदिर पर आए और मंदिर के दान पात्र तोड़ ले गए, जिसमें लगभग 3 माह से चढ़ाया जा रहा दान लगभग 15,000 रुपये दान के चोरी करके चोर ले गए। ये घटना तब पड़ी जब मंदिर के पुजारी सौरभ कुशवाहा द्वारा शाम के समय पूजा के लिए खोला गया, जिसकी जानकारी उन्होंने मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रशांत गुप्ता और सोहनलाल गुप्ता को बताई। सभी मौके पर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के दान पत्र टूटे हुए थे, वहीं मंदिर के मुख्य द्वार का ताला चोरों द्वारा तोड़े जाने पर भी नहीं टूटा। अगर ये ताला टूट जाता तो मंदिर के अंदर माता पर चढ़ाया हुआ लगभग 1 लाख के जेवर भी चोरी करके चोर ले जाते। मंदिर समिति के अध्यक्ष सोहनलाल गुप्ता और प्रशांत गुप्ता द्वारा बताया गया कि 1 साल में यह 3री घटना है। 1 साल पहले भी यहाँ चोरी की घटना हुई थी जिसमें लगभग 50,000 के जेवर भी चोरी हुए थे। मेरा नाम प्रशांत गुप्ता है। अच्छा प्रशांत जी, कहाँ क्या घटना घट गई और ये कब कब की बात है? ये किस आज, किस जगह की, कौन सा जगह? आज ये रक्सा का प्रांगण है, छोटी माता मंदिर, जिसमें आज दान पात्र में से चोरी हुई है और मंदिर के ताले को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी, जिसमें मंदिर में काफी माता रानी अपने जेवर पहन के रखे हुए हैं और काफी जेवर उनको चढ़े हुए हैं, जिसमें 1,00,000 रुपए के आसपास के जेवर माता रानी के चढ़े हुए हैं। पीलीभीत के कोतवाली दियोरी कला क्षेत्र के नौवा नगला गांव में सर्वेश कुमार का शव थाना बरखेरा क्षेत्र की चौकी करोड़ क्षेत्र के गांव मुसेपुर के आसपास मिला। बताया जा रहा है कि कई दिनों से सर्वेश कुमार गायब चल रहे थे। शव मिलने के बाद सूचना पर मौके पर मृतक के परिजन पहुंच गए, लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मामला 2 थानों के बीच का होने के कारण उलझ गया। पुलिस शव का पंचनामा करने के बजाय क्षेत्र की सीमाओं में ही उलझ गई। सूचना के बाद से जहां मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ परिजन इस दुविधा में है कि सारी प्रक्रिया जल्द पूरी हो और शव उन्हें मिले जिससे वो अंतिम संस्कार कर सके। ये थाना बरखेड़ा के मुसेपुर गाँव में सर्वेश नाम के व्यक्ति जो गाँव थाना देवरिया के रहने
और अन्य जो विधिक कार्रवाई है उसके संदर्भ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक परिवार वालों को तहरीर दी है क्या? अभी उनके तरफ से जो पंचायतनामा पे कार्रवाई हो रही है वो सुनिश्चित कराई जा रही है, जो उन्होंने पंचायतनामा उसके तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और आगे जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसमें केंद्र सरकार द्वारा 146 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई से नाराज INDIA गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। सभी ने एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी नारे लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा विपक्ष के 146 सांसदों को लोकसभा सदन से निलंबित कर दिया गया। वहीं एक साथ इतने सांसदों के लोकसभा से निलंबन की कार्रवाई से नाराज INDIA गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक साथ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद और मोदी होश में आओ के नारे भी लगाते दिखे। INDIA गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर सरकार चला रही है। झांसी मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के कदीम मोहल्ला में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब शॉर्ट सर्किट के कारण एक पेट्रोल पंप संचालक के घर में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। पेट्रोल पंप संचालक हाजी नूर के घर यह आग लग गई। स्थानीय लोगों ने काफी आग बुझाने का प्रयास किया, जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो किसी तरह आग पर काबू पाया गया। संत कबीर नगर जिले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने INDIA गठबंधन के बैनर तले खरीलाबाद बाईपास चौराहे से कलेक्ट्रेट परिसर तक हल्ला बोल प्रदर्शन किया और संसद से बर्खास्त सांसदों के निलंबन को वापस लेने का नारा लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करने लगे। वहीं सपा कार्यकर्ताओं ने सांसदों के बर्खास्त को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए PM मोदी का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन समय रहते पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीन लिया। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे ने कहा कि पूरे देश में पहली बार अनैतिक तरीके से 146 सांसदों को निलंबित किया गया है। देश में जितने लोग गरीब मजलूम और किसानों की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं उन्हें अनैतिक तरीके से परेशान किया जा रहा है। इससे ये ज्ञात होता है कि ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए सांसदों को प्रताड़ित कर रही है। खबर उत्तरकाशी से है जहां पूर्ति विभाग ने LPG सिलेंडर में घटतौली की शिकायत के मद्देनजर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और बाट माप निरीक्षक के साथ डूंडा ब्लॉक में विभिन्न गैस एजेंसियों की जांच के साथ होम डिलीवरी वाहनों की भी जांच की। निरीक्षण के दौरान रतोड़ी सेरा में श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी, सिंगुटी धनारी और विश्वनाथ गैस एजेंसी डूंडा के डिलीवरी वाहनों को रोककर उसमें लदे सिलेंडरों का वजन करवाया गया, जिसमें से कुछ सिलेंडर मानक से कम पाए गए जिन पर विधिक माप विज्ञान निरीक्षक द्वारा चालान किया गया। श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी के निरीक्षण के दौरान भी कई अनियमितता पाई गई, जिसमें मुख्य रूप से स्टॉक वेरिएशन, प्री बुकिंग सिस्टम का कार्यशील न होना, सुरक्षा मानकों की अवहेलना आदि मुख्य था, जिसके लिए श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई संपादित की जा रही है। अधिकारी ज्ञानसु के साथ में मिलकर एक निरीक्षण किया गया, इसमें श्रृंगेश्वर गैस एजेंसी और विश्वनाथ गैस एजेंसी के दो जो लोडर थे, डिलीवरी वैन थी, उन्हें रोक के उनकी घटतौली की उनकी जांच की गई और दोनों ही गैस एजेंसियों को फाइन भी लगाया गया है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल पंप की भी जांच की गई है और गैस एजेंसी और जो घटतौली की शिकायत है इसके संबंध में लगातार कार्रवाई की जाती रही। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।